हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्में खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि इंडियन आइडल की जो चार कंटेस्टेंट्स हैं, यानी कि चार प्रतियोगी इंडियन आइडल्स हैं, साइली है, दानिश है, पवन है, अरुणिता है, इनकी ज़िंदगी अगस्त में बड़े ही जोरदार तरीके से बदलने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अगले कुछ मिनटों में बात करने वाले हैं उसी के बारे में। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल तो आप पिछले कुछ घंटों से देख ही रहे होंगे कि कैसे पवनदीप देहरादून पहुँच चुके हैं। वहाँ के CM साहब से मिलने का भी मौका हुआ। सर्टनली ही इज़ अ यूथ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, सो इतना तो बनता है। और फोटोज़ भी वायरल हो रही हैं, साथ ही साथ विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं, साथ ही साथ अरुणिता के घर पहुंचने के जो विजुअल्स हैं वो भी वायरल हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और बाकी के जो इंडियन आइडल्स हैं वो भी अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरत होती है यार, जब आप बहुत बड़े मकाम पर पहुँच जाते हैं तो कम से कम उन लोगों से मिलने की जो बचपन से आपके साथ रहे हैं, यहाँ जो उनके आंखों में अपने लिए प्यार देखना, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। तो आई थिंक ये सारे ही इंडियन आइडल के जो कंटेस्टेंट्स हैं अपने अपनी जगह पर जाएंगे और वो जो पॉजिटिविटी के साथ वापस लौटेंगे और फिर संगीत का नया सफ़र शुरू करेंगे और फिर परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाएंगी, तो इट्स अ गुड ब्रेक फॉर देम, दो इट इज़ नॉट अ ब्रेक। अब हुआ ये है कि आप तो जानते हैं कि जो चार इंडियन आइडल्स हैं, यानी कि दानिश और साइली और पवन और अरुणिता, ये UK में जाकर परफॉर्म करने वाले हैं। अभी तक डेट डिसाइडेड नहीं थी लेकिन अब डेट डिसाइड हो चुकी है, 28 अगस्त 2021। और ये कहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये UK के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले हैं, वेम्बले स्टेडियम, जो कि यूरोप में भी सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम कहा जाता है। इसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जब निकाल रही थी तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है जो मैं बताना चाहती हूँ। ये जो वेम्बले स्टेडियम है, ये 75,000 से 90,000 लोग इसमें समा सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके अलावा खड़े रहने वालों की संख्या मैं क्या कहूँ। और अब ये सुनिए कि यहाँ पर कौन कौन बड़े लोग परफॉर्म अभी तक कर चुके हैं। जॉर्ज माइकल, माइकल जैक्सन, मडोना, एल्टन जॉन, बॉन जोवी, के पॉप बैंड। भारतीय आर्टिस्ट कितने परफॉर्म कर चुके हैं, तो सबसे पहला नाम आता है HR का, 2006 में इन्होंने परफॉर्म किया था। फिर दूसरा नाम आता है अरमान मलिक का, 2016 में परफॉर्म किया था। AR रहमान साहब ने 2017 में परफॉर्म किया था और अरिजीत ने 2018 में परफॉर्म किया था। और अब कहा जा रहा है कि एक और अरिजीत की कॉन्सर्ट होने वाली है जो कि 2 मई 2022 को होने वाली है। और अरिजीत के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में इतना बता सकती हूँ कि जब 2018 में उन्होंने परफॉर्म किया था तो उन्हें बिगेस्ट बॉलीवुड कॉन्सर्ट इस तरीके से भी एक अवार्ड से नवाजा गया था। सो बिल्कुल खचाखच भर चुका था ये स्टेडियम। सलमान अली जो इंडियन आइडल 10 के विनर रह चुके हैं, वो फरवरी 2020 में परफॉर्म करके आए हैं। हालांकि नाम सनी हिंदुस्तानी का भी गया था लेकिन मेरे रिसर्च ये कहती है कि सलमान अली वहाँ पर थे। और अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर ये चारों लोग जाने वाले हैं। और आपकी नेहा कक्कड़ मैडम भी यहाँ पर 7 नवंबर को परफॉर्म करने वाली हैं। वाओ। अब हुआ ये कि इस दौरान मैं कुछ और रिसर्च कर रही थी और जो मेरी रिसर्च में सामने आया है वो ये है कि 2 जुलाई, यानी घंटों का इंतज़ार कीजिए, इसके टिकट्स सेल शुरू हो जाएगी 2 जुलाई से। इसमें 3 तरह के की सेटिंग हो सकती है। एक है नॉर्मल जो टिकट खरीदे जाइए, फिर है क्लब मेंबरशिप जिनकी रहती है उसके लिए एक सेटिंग अरेंजमेंट होती है, और फिर VIP लाउंज पासेस ये भी मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये तो 28 तारीख की बात है, 28 को वेम्बले स्टेडियम में ये लोग परफॉर्म करने वाले हैं, 30 तारीख को ये लेस्टर में मॉर्निंग साइड अरीना में परफॉर्म करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर यही सब चलता रहा कोरोना का और ये सब परेशानी जो पूरी दुनिया इस महामारी को झेल रही है, तो अगर ये 28 को परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये 15 अगस्त के आसपास हमारे देश को एक टाटा बाय बाय कह के जाएंगे, क्वारंटीन किए जाएंगे और फिर एक दो दिन के ब्रेक और परफॉर्मेंस और म्यूज़िक रिहर्सल्स के बाद देन दे विल परफॉर्म ऑन 28 अगस्त। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट कहिए इन चारों को, और ये भी कहिए कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लोगों का दिल जीत कराएं। और मैं तो ये कहती हूँ भाई, चक दे फट्टे नप दे गिल्ली और देश का नाम रोशन करके आना। जय हिंद।